हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब तो गाइस आज जो है मैं आपके साथ अपनी ड्राई स्किन को लेकर जब मैं मेकअप करती हूँ तो मैं किस तरह से अपनी ड्राई स्किन को हैंडल करती हूँ और किस तरह से जो मेरा जो मैं बेस बनाती हूँ जो मेरा मेकअप होता है वो किस तरह से बहुत देर तक जो है स्टे करता है मेरी स्किन पर और आ, खराब भी नहीं होता है लॉन्ग लास्टिंग रहता है और अच्छा भी दिखता है तो मैं ऐसा क्या करती हूँ वही सब बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो गाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए गाइस अब जो है वीडियो पे चलते हैं you know तो गाइज सबसे पहले जो आ, ये जो वीडियो है ये स्पेशल ड्राई स्किन वालों के लिए है क्योंकि ड्राई स्किन वालों को क्या होता है कि हमेशा ही कोई भी सीजन हो आपका विंटर सीजन हो आपका समर सीजन हो आपका रेनी सीजन हो आपकी मतलब ड्राई स्किन वालों की जो प्रॉब्लम्स है वो कभी खत्म नहीं होती है तो हमें जो है हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हर सीजन में निकालना पड़ता है तो गाइज़ मैं जो आपको आज टिप्स बताऊंगी अगर आप मेकअप यूज करते हो तो आपका जो मेकअप है वो किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग रहे अच्छा रहे आ, काफी देर तक आपकी स्किन पे स्टे करे सुंदर भी दिखे और बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए सारे प्रोडक्ट्स अच्छी तरह से लगे उसके लिए जो है गाइज मैं जो टिप्स फॉलो करती हूँ और जो मैं शुरू से करती आ रही हूँ जिनका मेरे को काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है काफी अच्छा रिजल्ट मिला है वही सब बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और ये जो चीजें गाइज आप किसी भी सीजन में इसको यूज कर सकते हो आपका समर सीजन है आपका विंटर सीजन है आपका रेनी सीजन है आपको कुछ भी इसमें जो है ताम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इसी चीज को जो है हमेशा हर सीजन में फॉलो कर सकते हो Guys, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वालों की सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि वो कुछ भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाते हैं तो वो जल्दी से जो है ना ऑब्जर्व हो जाता है और उसके बाद जो है आपकी स्किन दोबारा से उस प्रोडक्ट को मांगती है मतलब उसको नीट शुरू हो जाती है तो सबसे पहले बात यह है कि गाइज आप अपनी स्किन को साफ रखें साफ रखने के बाद आपको क्या करना है आपको जो है अपनी स्किन के लिए कुछ इस तरह के प्रोडक्ट चूज करने हैं अपनी स्किन केयर में चाहे आप मेकअप करो चाहे ना करो आपका स्किन केयर बहुत अच्छा होना चाहिए और इस तरह के प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो जो आपकी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करे काफी आवर्स तक आपकी स्किन पे स्टे करे आपकी स्किन को इतनी जल्दी नीड ना हो मतलब कोई भी मॉइस्चराइजर जैसे मान लीजिए आप मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो तो मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए ऐसा होना चाहिए जो आपकी स्किन पे कम से कम सात से आठ घंटे तक टिका रहे उसको री करने की जरूरत उसके बाद पड़े इतनी जल्दी ना पड़े तो गाइज़ कुछ ऑप्शन जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ मुझे बहुत अच्छे लगे तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो गाइज़ मैं हमेशा जब भी अपना मेकअप करती हूँ तो उसके लिए जो जब भी मैं अपना स्किन क्या करती हूँ तो इसमें मैं जो पहला स्टेप करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र और कुछ इस तरह की मिल्क क्रीम जो हाई जिसमें हाई लेवल का मॉइस्चराइजर होता है हाई लेवल का आ, मतलब आपकी स्किन को नरिश करने का फॉर्मूला होता है तो मैं इस तरह की चीज़ यूज करती हूँ तो सबसे पहले तो गाइज मैं जो है हमेशा से यूज़ करती आ रही हूँ जॉनसन बेबी क्रीम तो गाइज काफ़ी अच्छी जॉनसन बेबी क्रीम काफ़ी अच्छी है अगर आपकी मेरी तरह सुपर डुपर ड्राई स्किन है तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर जाना चाहिए आप मेकअप करो चाहे ना करो और अगर आप मेकअप करते हो उसके पहले भी आप जो स्किन केयर में अगर यूज़ करते हो तो आप जॉनसन बेबी क्रीम को जरूर यूज़ करो और गाइज सेकंड ऑप्शन मेरे पास एक और है यहाँ पे इस लैकमे के बारे में आप सबने सुना ही होगा तो यहाँ पे है लैकमे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम 24 फोर आवर्स मॉइस्चराइजर लॉक तो काफ़ी अच्छी क्रीम है गाइज ये काफ़ी देर तक जो है आपकी स्किन पे स्टे करती है अगर मेरी तरह आपकी जो ड्राई स्किन है ड्राई भी नहीं ड्राई से भी ऊपर वाली गंदी वाली ड्राई स्किन है ना तो डेफिनेटली अगर आप जॉनसन बेबी को नहीं प्रेफर करना चाहते हो क्योंकि कुछ लेडीज क्या सोचती है कि बहुत ज्यादा चिपड़ी मतलब ग्रीसी फॉर्मूला जिसको आप बोलते हैं तो जॉनसन बेबी क्रीम को कई लोग इस तरह से बोलते हैं और मेरी काफी वीडियोस में इस तरह के कमेंट भी पहले आए थे कि मैम जो ये जॉनसन बेबी क्रीम होती है ये काफी ज्यादा ग्रीसी फॉर्मूला है तो काफी हैवी लगती है तो गाइज मुझे तो बिल्कुल हैवी नहीं लगती अगर आपको इनकेस ऐसा लगता है और आप उसको अवॉइड करना चाहते हो तो आप सेकेंड ऑप्शन आपका ये है तो डेफिनेटली आप लैक मी मिल्क सॉफ्ट क्रीम के ऊपर जा सकते हो जैसा कि इन्होंने क्लेम किया है यहाँ पे कि ये 24 फोर आवर्स तक जो है आपका मॉइस्चराइजर लॉक रखता है तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है गाइस तो 24 फोर आवर्स तक तो मुझे इसका कोई लगा नहीं लेकिन हाँ ये आठ से नौ घंटे तक काफी अच्छी तरह से मेरी स्किन को जो है मॉइस्चराइज रखता है नरिश रखता है हाइड्रेट रखता है मतलब कुछ भी ऐसा मेरे को अपनी स्किन पे ना अप्लाई करने की या इसके ऊपर कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो डेफिनेटली गाइस आप मेकअप करो या ना करो आप अपने स्किन केयर में जो है अगर आप अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर यूज करना चाहते हो वो भी बजट में तो डेफिनेटली आप जो है लैक्मी के ऊपर जा सकते हो और फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया जॉनसन बेबी क्रीम आप जो है गाइस मॉइस्चराइजर ही काफी नहीं होता है जिनकी सुपर डुपर ड्राई स्किन होती है क्योंकि Uh, एक प्रोडक्ट आपकी स्किन को उतनी देर ज़्यादा देर तक नहीं उतना आपकी स्किन को हाइड्रेट रख पाता है तो डेफिनेटली हमें उसके ऊपर भी कुछ अप्लाई करना चाहिए तो उसके ऊपर जो मैं हमेशा से अप्लाई करती आती थी तो मैं पहले प्रेफरेंस जॉनसन बेबी को ही देती हूँ तो मैं पहले जो है जॉनसन बेबी क्रीम यूज करती हूँ जब भी मैं अपना मेकअप करती हूँ या नहीं भी करती हूँ और सेकेंड जो है मैं उसका ऑयल यूज़ करती हूँ गाइस बहुत अच्छा ऑयल है आपके दाग धब्बे मिटाने में आपकी हेल्प करता है आपकी स्किन में शाइन लाने की हेल्प करता है मतलब आपकी स्किन में जो आप बोलते हो ना कि आपको नेचुरली ग्लो चाहिए तो आप डेफिनेटली अपना फेस वॉश करो फेस वॉश करने के बाद आप अपनी स्टीम ले लो हल्की फुल्की सी उसके बाद जो है आप उसको ऑयल से अपनी मसाज करो अपने फेस पे तो आपका जो नेचुरल ग्लो आप चाहते हो ना हेल्दी स्किन वाला तो डेफिनेटली जॉनसन बेबी ऑयल यूज करने के बाद आपको वो ही मिलने वाला है और ऐसा नहीं है कि वो टेम्परेरी टाइम के लिए रहेगा वो आपका जो है काफी परमानेंट टाइम के लिए रहता है लेकिन गाइज कई गाई लोग जैसा कि मैंने बताया कि उसे यूज करने से डरते हैं कि उनको लगता है कि उसका काफी ज्यादा ग्रेसी फॉर्मूला है या हैवी फॉर्मूला है मतलब वो बहुत ज्यादा चिपड़ी ही लगता है तो अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हो तो मैं आपको सेकंड ऑप्शन भी यहाँ प्रोवाइड कर दू वो भी बजट में और उसके भी जो है मल्टीपल यूजेस है तो गाइज जो सेकंड ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे है बायो ऑयल तो गाइज काफी लेडीज जो बायर ऑयल को जानती होगी वो सोचते होंगे कि ये तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए यूज होता है तो गाइज डेफिनेटली ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी यूज होता है लेकिन ये एक स्किन केयर ऑयल है तो आपकी ये स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है जैसे आपको दाग धब्बों की प्रॉब्लम है आपकी स्किन डल हो गई है आपकी फाइन लाइंस दिखने लग गई है या आप इसको एज अ मसाज ऑयल यूज करना चाहते हो और आपकी स्किन पे ये आपके रंग को निखारने में आपकी हेल्प करता है और काफी सारे यूजेस है इस ऑयल के तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर जा सकते हो और इन दो स्टेप्स को आप अगर अपने मेकअप से पहले यूज करते हो ना गाइज तो आपको मैं बोलती हूँ कि आपका जो मेकअप uh, है आपका स्किन केयर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका बेस बनेगा और जितना अच्छा आपका बेस होगा उतना ही अच्छा आपका मेकअप दिखेगा सुंदर दिखेगा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा खराब नहीं होगा और बहुत ही देर तक जो है आपकी स्किन पे स्टे करने वाला है तो गाइज इस तरह का था ये वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए तो अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज इस वीडियो को जो है अपनी फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट हैक्स टिप्स या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ फिर से मिलूंगी तब तक के लिए बाय बाय